रिटायर्ड शिक्षक की बेटी आयशा परवीन बनी जज, खुशी से झूमा परिवार। देखें वीडियो। यूपी के मुजफ्फरनगर के चरथावल इलाके के गांव दधेड़ू कला की बेटी आयशा परवीन के पीसीएस का एग्जाम पास करके परिवार का नाम रोशन किया है। ग्रामीण परिवेश में पत्नी आयशा रिटायर्ड शिक्षक सुलेमान की बेटी है। और आपने सिविल जज की परीक्षा दी थी, तो आपकी इसमें कौन सी रैंक आई है और क्या है पूरा मामला और किस तरीके से आपने तैयारी की इसकी? मैंने मेरी 5th रैंक आई थी। उसके बाद मैंने 2019 से लॉ में एडमिशन लिया। तब से मैंने एम बनाया हुआ था कि मुझे जुडिशरी ही क्लियर करना है। उसके बाद फिर मैंने 2022 में जो यूपी के जब जुडिशरी की वैकेंसी आई तो फिर मैंने उसका फॉर्म भरा। उसके बाद मैंने एग्जाम्स दिए, फिर मेरा क्लियर हो गया। फिर मुझे इंटरेस्ट आया और ज्यादा, मैंने और ज्यादा मेहनत करी, फिर मेरा मेन एग्जाम क्लियर हुआ। उसके बाद मैं इंटरव्यू में बैठी, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नंबर आ गया, मैंने एग्जाम क्लियर किया। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इसकी? मुझे बनना है आपको। जब 2019 में फरानाज आई थी तब वहाँ से प्रेरणा मिली, वहाँ से। आपने तैयारी कैसे की इसकी? तैयारी मैंने घर पे रहते हुए ही की थी, और उसके बाद मैंने फिर 3 महीने की कोचिंग ली थी देहरादून में। तो अभी इसका जो सरे है वो आप किसे देना चाहती है? अभी वो मैं अपनी फैमिली को देना चाहूंगी सबसे पहले, तो उसके बाद जिन्होंने मुझे कोचिंग दी, मेरे टीचर्स रहे, मेरे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं सबको ही देना चाहूंगी। और जो इस लाइन में और जो लगे हुए हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहती है? उनके लिए वो लगे रहे, मेहनत करें, इंशाल्लाह मेहनत रंग लाती है और वो कामयाब होंगे अगर आप मेहनत करोगे। उनके लिए कोई टिप्स? हाँ, टिप्स के ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। और दूसरी बात, आप इस पे फोकस ना करें कि आप 15 घंटे पढ़े या 20 घंटे पढ़े या आप 10 घंटे पढ़े। आप पॉइंट पढ़े और उन्हें समझे क्या फैक्ट है, क्या पॉइंट है। 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन आप वो पढ़ो जो मेन हो, उस पर मेहनत करें। हमारी तमाम माहिती थी। अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो SI News साथे।